करके इसको हमने यूज कर दिया। ये एडजस्ट करने के लिए हमने पीछे से ये वजनदार है जो कि मूवमेंट करने के लिए इजी आसान बनाता है। अच्छा, इसको ऊपर नीचे करने में हमें इससे आसानी होती है। हमने यहाँ पे लूज कर दिया इसको, इस पॉइंट को लूज करके स्टेंसिल को इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, बस एक मेजरमेंट ले रहे हैं कि पृथ्वी का जो लोकेशन है हमारा कहाँ पे आएगा। तो हम एक अंदाज से देखेंगे कि पृथ्वी का लोकेशन कहाँ पे आएगा। हमने ये पीसीबी ऐसा है यहाँ पे रखा कि इस लोकेशन पे है, इसको यहाँ से वर्टिकल डाउन कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि पीसीबी इस लोकेशन पे आना चाहिए, ये एरिया वाले हमारी में लोकेशन एक सेट हो गई है। सेट हो गई। अब ये चार स्टॉपर दिए हुए हैं, मतलब कि होल्ड करने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, जो कि मेन स्टॉपर है पीसीबी फिक्सिंग के लिए। ये इसके अंदर यहाँ पे थ्रेड दिए हुए हैं टाइट करने के लिए। इसमें जूम करके दिखाओ, ये देखो, ये यहाँ पे थ्रेड है इसके अंदर थ्रेड दिया हुआ बोल्ट टाइट करने के लिए। तो हम इस पीसीबी को यहाँ पे डाल के ऐसे थ्रेड को यहाँ से टाइट करना शुरू करते हैं। और ये भी ध्यान देते हैं कि जो पीसीबी का लाइन है ना, वो बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो स्टेंसिल को सेट करने में प्रॉब्लम्स आता है। हमने पहला लगा दिया, उसके बाद ये डायगोनल वाला लगाएंगे। डायगोनल पहले सेट करेंगे और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि पीसीबी की जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल सीधी हो। यहाँ से हमने टाइट कर दिया इसको, अलाइनमेंट तिरछी या आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे ये हमारा जो अब ये जो रो दिया हुआ है ना, रो और कॉलम बना हुआ है, बिल्कुल सीधी लगी होनी चाहिए। अगर ऐसे तिरछा लगा दोगे तो स्टेंसिल को एडजस्ट करने में बाद में प्रॉब्लम आएगा, तो वो प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए। ये हमने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लगाया, उसके बाद हमने इसका वेट ढूंढेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन फुल डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे इस पर। ये हम तीन स्टॉपर लगा चुके हैं, ये हमने चौथा डाल दिया। अब हमने एक फ्रेम रेडी कर चुके हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये फ्रेम तो हमारा सेट हो गया। फ्रेम, ये फ्रेम सेट हो गया, लेकिन अलाइनमेंट एकदम सीधा है। अब आप देख रहे होंगे कि पीसीबी दब रही है, प्रिंटिंग करते समय दब रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोर्टर लगाएंगे। और सपोर्टर जैसे हमारे पास इसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, ये हमारे सपोर्टर है, सपोर्टर है, तो हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट के लिए, जैसे ये भिकट दिया हुआ है, यहाँ से टूटने का पीसीबी चांसेस होता है, तो हम एक यहाँ लगाएंगे। एक अंदाज लगा रहे हैं कि एक यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है। इसके बाद हम इसको उठा लेंगे, एक इधर रख देते हैं, इसको हमने उठा लिया। अब इसको रेंडमली लगाएंगे ऐसे करके कहीं से कहीं, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, जिगजैग पैटर्न में। ठीक है, तो ये हमारे सपोर्टर लग चुके हैं, तो इससे पीसीबी हमारी बेंड नहीं होगी, नीचे दबेगी नहीं, जिससे ये हमारा पीसीबी प्रॉपर प्रॉपर सेट हो चुका है। ये देखो अब दब नहीं रहा है। अभी हम पहला प्रोसेस जो है कि क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, पीसीबी बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स होना चाहिए कि इसमें मूवमेंट नहीं। ठीक है, अभी हमने लगा दिया, इसके बाद स्टेंसिल को बिल्कुल साफ कर लेंगे पहले, लगाने से पहले। ये हमारा स्टेंसिल है, होल को जो है कि क्लियर कर लेंगे। कोई भी होल जो है कि जाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो शोल्डर पे इसको पीसीबी के पैड के ऊपर जाने में दिक्कत करेगा। इसको हमने साफ कर दिया पूरा, बिल्कुल क्लीन, नीट क्लीन है, सारे पैड साफ दिख रहे हैं। फिर हमने जैसे फ्रेम के लिए पहले एडजस्टमेंट किया था, बिल्कुल सेम ऐसे पिन पे डालेंगे। पिन पे डालने के बाद क्या है कि हम यहाँ से पैड की डायरेक्शन में मिलाएंगे,
अलाइनमेंट हमारा, अलाइनमेंट यहाँ से मैच कर रहे हैं करो। दूसरी चीज़ ये है, ये हमारा एक्स वाई मूवमेंट है, जैसे हमें इधर की ओर शिफ्ट करना है या इधर पीसीबी को एक्स वाई मूवमेंट करना है, अगर ये पार्ट को ऐसे आगे पीछे करना है तो हमें इसको मूव करेंगे, इस वाले पोर्शन को आगे पीछे करना है तो इसे मूव करेंगे, और अप एंड डाउन करने के लिए फ्रंट वाले को यूज करेंगे कि ये जा रहा है आगे पीछे, ये हम यूज कर रहे हैं अभी इसको। और नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे जिससे ये टाइट होता है ये पेंसिल स्लॉट, इसको हमने तो ये हमारा इसको आगे पीछे करने का है, और साइड में साइड मूवमेंट एक्स वाई एक्स वाई का, और ये हमारा आगे पीछे साइड में करने के लिए है, वो हमारा आगे पीछे करने के लिए है। यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है।